हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, पाइथन प्रोग्राम्स बनाने की सीरीज में आज हम जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमने पाइथन में थ्योरी पढ़ते वक्त एक्सप्लोर नहीं करे होते हैं, तो हो सकता है इसकी जानकारी हमको ना हो, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें जानकारी हो तो हमें पता चलेगा पाइथन में ये काम कितनी आसानी से हो सकता है। तो आज के प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही है। इसमें लिखा हुआ है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू कंपेयर टू टपल्स वेदर दे कंटेन सेम एलिमेंट्स इन सेम ऑर्डर और नॉट। यानी एग्जांपल के लिए समझिए, मेरे पास एक टपल है t1 और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं लाइक 11, 22, 33 और एक और टपल मेरे पास रखा हुआ है लेट से t2 और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 22, 33 और 11। देखा जाए तो दोनों टपल्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं पर सेम ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी है कि सेम ऑर्डर में भी होना चाहिए था। तो अगर ऐसे दो टपल्स होंगे तो हमारा आंसर होगा कि नो, दे आर नॉट सेम। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि टपल है 11, 22, 33, 44, 55 और दूसरा वाला जो टपल है हमारे पास है 11, 22, 33। अभी आप देखें कि इसके शुरुआत के तीन एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में भी हैं, सेम वैल्यू भी है, लेकिन क्योंकि दोनों टपल्स की लेंथ ही अलग अलग है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में अलग अलग हैं, इसलिए ऐसे टपल में भी हम बोलेंगे कंपेयर करते हुए कि इसका आंसर भी होगा नो, दे आर नॉट सेम। तो फिर कौन सा वाला हो सकता है सेम? जब एलिमेंट्स की संख्या भी सेम हो और वो वैल्यूज करस्पॉन्डिंगली भी सेम हो, यानी जो पहला एलिमेंट पहले टपल में है वही पहला एलिमेंट दूसरे टपल में है, दूसरा एलिमेंट जो पहले टपल में है दूसरा एलिमेंट दूसरे टपल में है वो सेम है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टपल में सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दोनों टपल के एकदम सेम है, तो सेम सीक्वेंस में सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा यस। अभी मैं आपको बताऊं, ये प्रोग्राम बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि दो टपल्स चाहिए और हम टपल्स यूज़र से भी एंटर करा सकते हैं। जैसे हम यूज़र से बोलते हैं कॉमा सेपरेट करते हुए वो वैल्यूज़ एंटर करे, प्रिंट एंटर एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा फॉर फर्स्ट टपल, ठीक है। तो मैं t1 के अंदर वैल्यू रखने वाला हूँ। अब हम जैसे लिस्ट कंप्रेंशन पढ़ा है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर और उसको फिर टपल में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी पहले हम लिस्ट कंप्रेंशन देखें क्या होता है, जो भी एलिमेंट आएगा उसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान रहा हूँ वो इंट टाइप का, वैसे वो कोई दूसरे टाइप का भी हो सकता है। जैसे मैं eval लिख देता हूँ ताकि वो जिस टाइप का हो उस टाइप में कन्वर्ट हो जाए, फॉर एलिमेंट इन इनपुट डॉट स्प्लिट और कॉमा के बेसिस पे सेपरेट करा रहे हैं। देखिए, ये कई लोगों को सिंटेक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, पर अगर बहुत कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो मैं आपको बताऊं आप दूसरे तरीके से भी इनपुट ले सकते हैं, पर ये तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में मैंने अपने कोर्स में बहुत डिटेल में बताया भी हुआ है, तो आप चाहें तो मेरे कोर्स को भी रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कर ये रहे कि इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है, सबसे पहले इनपुट फंक्शन चलेगा और इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो जो वैल्यूज हम कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30 इस तरह से हम लिख रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। यानी एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ही है 10, 20, 30, 40, तो उस स्ट्रिंग को इस इनपुट फंक्शन ने करा होगा रिटर्न और फिर स्ट्रिंग का हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं स्प्लिट। आपको मालूम है str के पास एक फंक्शन होता है स्प्लिट, जो कि एक स्ट्रिंग को कई सारी स्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर देता है और एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है। तो कॉमा के बेसिस पे जो डेटा हमको मिल रहा है उसको स्प्लिट कर दिया गया है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न किए जिस पर ये लूप लगा है। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर जो एक एक एलिमेंट होगा उसको ई में बारी बारी से हम रख रहे हैं और ई की वैल्यू को हम eval फंक्शन की मदद से कन्वर्ट करा ले रहे हैं। अगर वो इंट टाइप का है तो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। इससे जो लिस्ट बन के तैयार हुई उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ टपल में। तो इस तरीके से हम लोगों ने टपल यूज़र से एंटर करवा लिए और बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और टपल एंटर करवाना चाहते हैं। तो मैं फिर से इसी मैसेज को लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ
सेकेंड टपल और यहां पर मैं T1 की जगह पर लिख देता हूं T2। तो हमारे पास T1 और T2 दो टपल्स आ चुकी हैं। अब हमको देखना है कि क्या वो दोनों सेम सीक्वेंस में सेम डेटा कंटेन कर रही है। तो बहुत सिंपल है, इफ लगाइए, T1 इक्वल्स टू T2 लिखिए। ये देखिए इक्वल टू ऑपरेटर बहुत कमाल का है, ये दोनों टपल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखेगा कि एग्जैक्टली सेम है, तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये ट्रू है तो हम प्रिंट कराएंगे यस, ओके, यस टपल्स आर सेम, ठीक है, और एल्स प्रिंट कराएंगे नो, टपल्स आर नॉट सेम। बस ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब इसको बस चला के और देखना है हमको। ये मैंने इसको रन किया, एंटर एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, पहला वाला एग्जांपल 11, 22, 33, और दूसरी टपल के लिए मैं लिख रहा हूँ 22, 33 और 11। तो वो बोल रहा है नो टपल्स आर नॉट सेम। ठीक है, एक बार और इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और इस बार जो वैल्यूज हम लोग देने वाले हैं वो वैल्यूज हैं 11, 22, 33, 44, 55, और दूसरे टपल के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ 11, 22, 33। आप देखेंगे टपल्स आर नॉट सेम बोल रहा है। फिर इसी तरीके से तीसरी बार मैं इसको रन करता हूँ, और अब की बार मैं एग्जैक्टली सेम वैल्यूज दे रहा हूँ सेम ऑर्डर में 11, 22, 33। ओके, मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी, क्या सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। ओके, 11 के बाद मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी, मैं एक बार फिर से इसको रन कर देता हूँ। ओके, 11, 22, 33, और फिर दूसरा वाला भी 11, 22, 33, ठीक है, तो यस टपल्स आर सेम। तो एग्जैक्टली जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही बना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इक्वल टू ऑपरेटर का भी जो यूजेज है वो आपको समझ में आया होगा टपल्स के बीच में, और हो सकता है कि टपल्स को यूजर से कैसे इनपुट कराना है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, और अपना कॉमेंट्स देकर मुझे बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं और किस तरह के और वीडियोज़ आप चाहते हैं उसके बारे में बताइए। कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो आपसे बन नहीं रहा है और उसका सोल्यूशन आप चाहते हैं तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी बना दूं। इसके अलावा अगर आपने मेरा पूरा पाइथन का कोर्स नहीं देखा है तो आप मेरी वेबसाइट premium.mysurgy.com पे जाइए, जहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स हिंदी में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट पाइथन के बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, फिर वो चाहे मशीन लर्निंग का हो या जेंगो का हो या GUI का हो, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, तो उनको भी आप देखिए। साथ ही और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस चैनल पे आपको मिलती हैं और इन वेबसाइट्स पे आपको मिलती हैं, तो एक बार विजिट करके देखिए, क्योंकि हिंदी में कंटेंट है, बहुत सारे लोगों को हिंदी में कंटेंट जल्दी समझ में आता है, तो उन लोगों के लिए ये सब कुछ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।